अब ये है शिवजाल जी, इनके परम धनी जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये के चीज है, को स्थान है कि, और फिर ये नाम दे है पांच, ओंकार अलंकार ज्योत निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियो श्रद्धा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है यू काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सारनाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर, किसी से सुन लिया कभी, कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहाँ चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहाँ जा कर के मैं शहर सपुटा करके आता हूँ, कार में बैठ कर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है शहर है। तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे, वैसे ही डिफाइन करेगा जिन्हें देखा है नहीं कुछ भी, के पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवजाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको, श्री जयमल सिंह जी सीधे शिष्य माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं कि उनसे शिवजाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही पांच नाम, उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री श्रावण सिंह जी। अब वो शिवजाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में, तो वही जल वही विचार श्रावण सिंह जी में आए और श्रावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया श्रावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये दो अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी और श्रावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने एक ने तो यहाँ बना लिया आकर के सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊँचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने नारा चुमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है कि जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवजाल जी वाले का है। और वही पाँच नाम वो देते हैं काल के पाँचों, तुलसीदास आथरस वाले कहते हैं पाँचों नाम काल के जानो, ये पांचों काल के जाप हैं, उनकी घटरामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम ना समझ मारा, फिर श्रावण सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री श्रावण सिंह जी के दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे, ये कहाँ से कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि दो अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये दो अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथाणों के पास, और ये कहते हैं दो अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है इनसे कि ये दो अक्षर हैं इनकी साधना करनी होती है कि नहीं, ये कहते हैं नहीं, कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम, जब तुमने अखरेगा नहीं बेरा, वो दो अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम, ये मूर्ख बनावे हैं सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक,
कहते चोर चुरावे तुम्बड़ा और गाड्ढे पानी में, वो गाड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो ये प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरुजी देवेगा दो अक्षर के मंत्र। और वहां ये कहते हैं सतनाम हमारी जाती है, सतनाम मना समझ मारे इनके ही, तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिन आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनकी थ्योरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुंचेंगे? और वो प्रमाण देंगे आपके सामने, वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवदयाल जी और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग तीन, और इसके कौन हैं? ये हैं श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी महाराज, ये हैं इसके लेखक यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावन सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग तीन, इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं गोप सन्स पेपर लिमिटेड, प्रिंटेड इन इंडिया गोप सन्स पेपर लिमिटेड। अब इसके देखना 102 पृष्ठ पे तो सावन सिंह जी सतनाम को बता रहे हैं कि ये चौथा लोक है संत मत प्रकाश भाग तीन, और 102 पृष्ठ पे यहाँ देखो सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सचखंड कहो या सतनाम चौथा लोक है सतनाम। अच्छा आगे 106 पे देखो क्या कहते हैं चेले ने पूछा 106 पृष्ठ पे, वही सत्संगी कहता हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू, वही सत्संगी क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं सावन सिंह जी के चार राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? यहाँ देखो 107 पृष्ठ पे सत्संगी कहता है हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे डिफाइन करन, एक राम दशरथ गढ़ डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है, वहाँ तो सतनाम सचखंड था, सतनाम सतलोक सारनाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम और ये असली राम है। यू गाट दिया चुमटा। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं सोए गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब देखना ये संत मत प्रकाश भाग चार सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह भाग चार सत्संग व्यास, संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी। प्रकाशक हैं सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जमल सिंह जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जोशी स्टेट जलंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं, 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग चार, इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। अक्सर रूर निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, यह संसार सर है जो अक्सर है वह ब्रह्म है,
और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, 52 अक्षर लोक त्र सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही, गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है इसके विषय में। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। ये अनुवाद तो है इसकी, इस वाणी का अनुवाद है इन दो अक्षरों के बारे में सावन सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ, और आप पे कह रहा है ये वे अक्षर पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म है, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया, यही कबीर साहब कहते हैं। कह कबीर अक्षर दो भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती दो अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस दो नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा दो अक्षर का। इसमें एक ओम है एक तत् है, गुप्त है वो, तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये दो अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये दो अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है दो अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं कि सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं, वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का, वो कहते हैं वो नाम जाप करण के नहीं है, सुमन करण के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी, साधना टट्टी करोगे जो जाप पेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शिष्य होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई, आदि गुरु ग्रंथ साहब इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावन सिंह जी डिफाइन करते हैं संतों की वाणी को, वह अक्षर अक्सर आपके अंदर है ये, और पार पर मजाक मिलेंगे मेरे पास है, भूत बने पास है मिलेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी वो सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियो सतलोक के वासी इवन होगा जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ मारा ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं ये दो अक्षर किसी भी शास्त्र में नहीं है, ये सोहम एक अक्षर तो ये है और दूसरा उस आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा, तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द। गीता जी में ओम तत् सत इति निर्देश रहे ब्रह्मण त्रिवेद समृत है, तो इन्होंने जहाँ से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपुण आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है,
जिनकी थ्योरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा? इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, पांचों नाम काल के हैं।